प्रैंक के साथ अंडी घेराए हैं और ये सारा मैं गेम खेल चुकी हूँ। जिसे खेलना है देखना है वो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आज न्यू प्रैंक में आई हूँ आंटी के घर कुछ ये नया और डिफरेंट सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो आप भी मस्ती करें, मजे में लीजिए। आप लोग इसलिए मजा आया क्योंकि इसमें स्कैरी अंकल और आंटी दो। हनी तुमने ये सही से बनाया ना कि मेरा यहाँ पे डांस का, और अगर सही नहीं बनोगे तो समझोगे। यस हनी मैंने अच्छे से बना दिया है। स्टूपिड हनी देखो तुमने सही से नहीं बनाया है, मेरे यहाँ पार्टी होने वाला है। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये कैसा बनाया तुमने हनी। ओके हाय गाइस, हम आंटी घर फिर जा रहे हैं आंटी के घर और न्यू प्रैंक के साथ। आंटी आंटी यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है। आंटी के घर को एक खंड को तोड़ना है, हम लोग को बर्बाद करना है और अंकल को मजा चखाना है। उसके लिए पहले ग्लू लेते हैं हम, वो वुडन का ग्लू चिपकाने के लिए हम लोग को। और उसके बाद यहाँ से एक और गाइस हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर खोलना है और यहाँ से नीचे उतरना है हम लोग को। और यहाँ से ओ नो माय गॉड, ओ माय गॉड, आंटी आ रही है मेरे पीछे आ रही है। मैं मुझे क्या करूँ, यहाँ पे छुपूँ या आगे जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, आंटी यहाँ तक आ चुकी है, नीचे आई तो मेरी बैंड बच जाएगी। ये आंटी अपनी इतनी उम्र होने के बाद भी अपने आप को क्यों इतना परेशान करती है। ये गाइस हम लोग को ये लेना है सिर्फ, और ये लेने के बाद हमें वहाँ से चले जाते हैं। दो जगह से रास्ता है, दो जगह चले जाते हैं। दो रास्ता कहाँ से यहाँ चली जाऊँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि ये नहीं छोड़ो ये रास्ता, क्योंकि अभी ऊपर काम है और है। तो इसकी वजह से मुझे आंटी के रूम में ही जाना पड़ेगा। आंटी के सबसे ऊपर चली गई है फ्लोर में, तो मैं अभी आंटी के यह खुफिया रास्ते से निकल कर मैं उस रूम में जाती हूँ जिस रूम से मुझे काम है। तो गाइस ये रूम में नहीं जाना है हम लोग को, यहाँ से पहले देखिए यहाँ से तो नहीं जाना है, यहाँ से पहले निकलते हैं। ये गाइस ये दो बेल लगे हुए, ध्यान देना, यहाँ और यहाँ लगे हुए। तो एक बेल की इस साइड से जाना जहाँ पे डोर सामने है, और यहाँ से हमें खिड़की से देखिए विंडो से सामने नजदीक पड़ रहा है। ये वाला जो तार है, एक ये तार को मुझे इससे चार्ज लगाना पड़ेगा। ये चार्ज हो जाएगा अच्छे से पूरा, तभी हम वुडन को कटिंग कर सकते हैं वहाँ का, नहीं तो फिर ये वुडन कटिंग नहीं होगा। क्या होगा, हाफ कट होगी, फिर उसके बाद आपका जो ये प्रैंक है अधूरा ही रह जाएगा। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पूरा कंप्लीट करने के लिए। यहाँ से चार्ज ये हो गया, चार्ज होने के बाद हमें सीधा आंटी के वो हंट में जाना जहाँ पे अंकल बनाए थे अंकल स्कैरी। यहाँ से जाने के बाद हमें सीधा जाना पड़ेगा। गाइस मुझे मज़ा क्यों आ रहा है ना ये इस गेम में, क्योंकि इसमें अंकल है और अंकल की बैंड बजी रहती है इस आंटी से। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा डिफरेंट करूँ जिसकी वजह से अंकल के बैंड बजते रहे आंटी, और उनको जो गंजापन है पूरा गंजा कर दे मार के। और अंकल जैसे खड़ूस बने भीड़ फिरते हैं हर जगह, पर हम लोगों तो हम ऐसा बैंड बजा के रखते हैं। बच्चे लोगों बताओ, चलो अंकल किसी से तो डरते हैं, पर आंटी किसे डरती है, हम लोग से और क्या है हम बच्चे से। अब यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा गाइस, और ये जो हम लोग कटर है ये लकड़ी को काटना पड़ेगा, हाफ काटने की काट देना है। ये पूरे मेहनत की जा रही हूँ मैं, काटने के बाद ये ग्लू लगा देती हूँ क्योंकि ये दिखे ऐसा कि मैंने कट नहीं किया है। पर यहाँ आंटी यहाँ पर डांस करने वाली है, थोड़ा मैं भी देखूँ आंटी कैसे डांस करती हैं। और ये सीढ़ी लेकर मैं यहाँ से ऊपर चली जाती हूँ रूम में जहाँ पर ये अंकल बनाए हैं। तो हुनो यहाँ चढ़ी नहीं पा रही हूँ, फिर मुझे फिर से लेना पड़ेगा, थोड़ा दूर से रखना पड़ेगा तभी मैं आराम से चढ़ सकती हूँ। हाँ अब ये हो गया, अब थोड़ा सा कहाँ से जाऊँ यह ठीक रहेगा। यहाँ से चढ़ने के बाद मुझे जंप करके देखना है कि आंटी कहाँ है। वो और नो लगता है मैं गिर गई, क्या गिरने वाली हूँ, नहीं नहीं मैंने गिरी। आंटी आ रही है, आंटी है कहाँ, मुझे दिख क्यों नहीं रही है। अच्छा आंटी यहीं से पार हो रही है लगता है। आइए आंटी, ये आंटी आ गई। हाय आंटी देखो मैं यहीं पे हूँ आंटी, ओ आंटी देख लो तो आंटी के घोंसले बन जाएंगे। आओ चलो मैं यहाँ पे फाट म्यूजिक बजाती हूँ, डांस करूंगे। लो 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 डा ढिंचे कड़ी चकड़ी 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 चक शट टट टन 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 लगता है फ्लोर पूरा तोड़े के रह गया। आंटी ढिंचे ने ढिंचे ने ढिंचे ने ढिंचे ने ओ नो ये क्या हो गया, कहाँ गए स्कैरी।